आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सी शॉर्ट जो मेरी पिछली वीडियो की टॉप का सेट है। तो आप हमारे साथ रहिए और ये बनाइए। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज मैं आपको बेबी टॉप का जो बनाया अभी पिछली वीडियो में, उसके साथ जो बेबी शॉर्ट बनाना है वो मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है, जिस इसकी बो मैंने उसमें लगाई है। अब ये देखेंगे, मैं आपको साइजिंग बता देती हूँ। ये तकरीबन जो है हमारे पास 13 इंच का कपड़ा है ये लंबाई इसकी, और ये चौड़ाई जो है ये हमारी 1.5 इंच है, और दूसरी जो है हमने लिया हुआ है ये 8 इंच, 8.5 इंच, 8.5 इंच, मतलब 1.75 इंच है, 1.8 इंच है। तो ये फ्रंट जो है हमारा छोटा होगा और बैक साइड जो है हमने बड़ा रखा हुआ है। तो अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो है एक साइड का है पूरा, ठीक है। ये अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ, यहाँ से मैं बताना शुरू करती हूँ। पहले मैं फ्रंट पे निशान लगाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, ये हमने लिया। उसके बाद थोड़ा सा ये छोटा होता है, यहाँ से हमने निशान लगाया है। ये हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें, ये 8 इंच है हमारा, और ये जो चौड़ाई है ये पूरी लेंगे हम, 7 इंच, 7.5 इंच बताया था मैंने। और यहाँ से सिर्फ हम ये कम कर देंगे, ये हमारा निशान लगाया है, और यह 8 इंच के पास हम इसको इस तरीके से करके करेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसे 1/2 इंच, ये देखें 1/2 इंच हम यहाँ से रखेंगे पैंचे का अपना, और यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसे मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह से अपना बैक पार्ट रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे यहाँ, और उसके बाद हम यहाँ से कटिंग करेंगे अपनी। ये थोड़ा सा हिस्सा हमने इधर से छोड़ा है ज़्यादा, ये देखें, ये हिस्सा हमने यहाँ से छोड़ा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, 8 इंच में जो पार्ट था, और थोड़ा सा इधर हमने बढ़ाया हुआ है मामूली सा। अब यहीं से हम इसे निशान लगा देंगे। ये देखें, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा के और पूरा ये इसी तरह ले लेंगे हम। ठीक है, इसे थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा हुआ है, ये देखें, यहाँ से ये आया हमारा, और उसके बाद यहाँ से हम ट्रंक कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब हमें इस ये चीज़ हमारी रेडी हो गई है। अब इसे मैं आगे करूँगी, और उसके बाद यहाँ से ये देखें, यहाँ से हम हल्का सा बिल्कुल मामूली सी गुलाई देंगे, ये देखें यहाँ से बस, और ये हमने कट का निशान लगाया है। ये हमारा सिल जाएगा ये पीस पूरा, और उसके बाद ये सिर्फ हमने हल्की सी गुलाई दी है, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी है, 1/2 इंच के करीब भी नहीं होगी, इतनी कम ये है। अब मैं चलें से हम सीते हैं, और इसमें हम येलो कलर की पाइपिंग से हम इस पाइपिंग लगाएंगे इसके अंदर, और इसी की बो बना के लगाएंगे यहाँ पे साइड पर, ठीक है। चले अब हम रेडी करते हैं, सीना शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है, और ये बैक, पहले हम एक फ्रंट और एक बैक को ज्वाइन करेंगे, आपस में अटैच करके सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हमारा एक ये बैक है और ये फ्रंट साइड, तो पहले हम इन दोनों को सियेंगे जहाँ पर मैंने ये कट का निशान लगाया था। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी। ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे, जिस बूट की सिलाई कहते हैं जिसे। ये हमने दोनों साइडें सी ली हैं, अब हम इसको आपस में इस तरह सेट करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है।
ये हमारा दोनों साइड, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो हम यहाँ से दोनों को सीकर ये साइड हमारी सिलेंगी, हिप साइड जो है पूरी। उसके बाद इसके सीने के बाद जो है हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे अपनी, ठीक है। चलें अब मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये इससे पहले भी कहीं मैं आप शॉर्ट बना चुकी हूँ, तो उसमें आपको दिखा चुकी हूँ कि ये हम किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हम ये बताना बताएंगे। ये हमने दोनों कर चुके हैं, ये कंप्लीट ये सिलाई हमारी। अब यहाँ से जो है ना हम ये इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का भी पहले भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि इलास्टिक किस तरह लगाते हैं। ठीक है, ये हमने इलास्टिक रखी है और उसके बाद यहीं से हम इसको ज्वाइन करके और उसके बाद सीना शुरू कर देंगे। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखें, ये हमारी शॉर्ट जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे आगे जो है हम ये अपनी जो है ये पाइपिंग लगाएंगे ये इसके किनारे पर, और उसके बाद ये पाइपिंग लगाकर आपको दिखाती हूँ कि हम किस समय यहाँ पे पाइप, उससे पहले हम इसको सी लेंगे साइडें इसकी, ठीक है। यही हमारी येलो पाइपिंग, यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे इसको। यहाँ ये देखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, एक साइड का मैं आपको बना के दिखाया है। ये हमारा इस तरह बना है, ये ऐसे आ गई। और ये इसको हम जिस तरह हमने फ्रॉक में करा था हल्का सा, हम इसको यहाँ से इस तरफ से हम हल्का सा इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे सीधा करने के लिए इसको। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी इस पर सिलाई लगेगी। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना जो है ये जो हम बो बनाएंगे इसके ऊपर, वो इस तरह से वो बो हम यहाँ पे इस तरह लगाएंगे। यहाँ इस तरीके से ये हमारी आएगी और डोरी भी होगी इसके साथ, ये बैक पाएगा हमारे, ठीक है। अब हम सेकंड पीस अपना पाँचा भी इसका जो है तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट का, ठीक है। ये मैं सेकेंड वाला रेडी कर रही हूँ।
ये दोनों हमारे पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। देखें इस दोनों पैंचे की, अब ये सबसे हम लास्ट में ये दोनों, ये अपना बीच का पोर्शन हम इसको जो अटैच करके सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने बीच का अपना हिस्सा जो है, ये म्यानी का जो ये होता है, ये साइड का ये हमने सी लिया है। ये इस तरह ये हमारी शॉर्ट एक तरह से रेडी हो चुकी है। देखें दोनों तरफ से ये थोड़ा सा, ये अब हमें लास्ट में अपने इस शॉर्ट के लिए हमें इसको डेकोरेट करना है। तो ये हमने बो बना के रखी हुई है, देखें इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से सेट करके, और उसके बाद इसको हम मशीन की मदद से ही इसे लगा देंगे। ये देखें ये इस तरफ आई है हमारी, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा हमारा, ये हमारी बो है, ठीक है। ये यहाँ लगेगी इस तरीके से, ये इस तरह हमारी ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं दिखा दिए मैंने, ये रहा ये, और ये हमारा ये इस तरह हमारी शॉर्ट जो है ये रेडी हो गई है। और इसको मैं कंप्लीट करके अभी आपको दिखाती हूँ। और ये इस, और आपको हमारी शॉर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.